हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे नवकार कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का Q2 का रिजल्ट यहाँ पे क्या है, 11 बजे के आसपास क्या निकल के आ चुका है। रिजल्ट के दौरान कंपनी ने ऐसा कुछ डिविडेंड का, बोनस का, फिर स्टॉक स्प्लिट का ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट कंपनी ने क्या है नहीं किया है, बट Q2 के रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुके हैं, जो कि डेटास इफ अगर आप देखने जाएंगे सो लैक्स में दिए गए हैं, बट मैं आपको क्या क्रोर्स में काउंट करके बताऊँगी। करंटली कंपनी का रेवेन्यू नंबर्स देखने जाओगे सर, रेवेन्यूज नंबर कंपनी के यहां पे दिए गए हैं। करंट क्वार्टर में 136 का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, 136 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 118 करोड़ का। सो कंपनीज के रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखने जाओगे सो जून का एंड सितंबर का रिजल्ट कंपेयर करते हो सो कंपनीज के रेवेन्यूज के अंदर लगभग काफ़ी अच्छा, लगभग क्या एक बोल से बढ़ावत क्या देखने को मिली है इसमें यहाँ पे। वही 2023 का सितंबर का रिजल्ट कंपेयर करो, 2024 का सितंबर का रिजल्ट कंपेयर करते मीन्स ईयरली वाइज पे, सो कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छे लगभग क्या रेवेन्यू सेगमेंट के तो ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है। 2023 के सितंबर में 95 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर हो गया 136 करोड़ का। सो कंपनीज के रेवेन्यू लाइक क्वार्टरली ईयरली दोनों यहां पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस की, कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पे दिए गए, करंट क्वार्टर में 136 करोड़ का एक्सपेंस है, पिछले क्वार्टर में 133 का एक्सपेंस है, लगभग कितना ज़्यादा नहीं पर 3 करोड़ के आसपास कंपनी का बड़ा है क्वार्टर वाइज कंपनी का एक्सपेंस। वही ईयरली बेसिस पे देखोगे सो 2023 का सितंबर का जो रिजल्ट था उसमें 91 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था, जो कि बढ़कर 136 करोड़ हो गया है। सो ईयरली वाइज पे कंपनी ने खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या किए हुए हैं कंपनी के ऊपर। बाकी यहाँ पे कंपनीज़ की प्रॉफिट की बात करेंगे सो प्रॉफिट्स नंबर कंपनी के देखने जाओगे ना सो कंपनी के यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कंपनी की देखो कंपनी में ग्रोथिंग तो देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखो माइनस में ही है। करंट क्वार्टर में कंपनी ने कितना 2.29 मीन्स लगभग 2 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस में चल रही, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी क्या 13 करोड़ के लॉस में थी। सो यहाँ पे कंपनी अगर देखने जाओगे सो लगभग कंपनी ने ये क्वार्टर में कितना 11 करोड़ का जो लॉस है कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या रिकवर किया है, जिसके कारण ये जो स्टॉक है लगभग क्या पॉजिटिव में चला है। 127 का करंटली जो शेयर है क्या है ट्रेड हो रहा है इतने प्राइस पे। वही अगर आप यहाँ पे नोटिस आउट करोगे सो 2023 का जो क्वार्टर था 2023 का सितंबर का, उस टाइम पे कंपनी क्या 2 करोड़ के प्रॉफिट में थी एंड अभी देखो तो 2 करोड़ के क्या लॉस में चल रही है। सो मेन रीजन कंपनी का परफॉर्मेंस देखो तो ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल, इसमें पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिकॉज पिछले क्वार्टर से कंपनी ने लगभग 11 करोड़ के आसपास क्या ये लॉस के एक्चुअली क्या रिकवर किया है। सो एक पॉजिटिव मूवमेंट मुझे यहाँ पे क्या ये देखने को मिला है। करंटली 127 का शेयर चल रहा है, मात्र लगभग 127 का शेयर है, इसमें पैसा लगभग आप क्या डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर दी शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, सो ये तक कंपनी का Q2 का रिजल्ट एंड आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। सो गाइस, डू लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।